अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू इजी एग्जिट अ कंपनी फ्रॉम SECP इन पाकिस्तान। अच्छा, ये इजी एग्जिट का पर्पस वही है जो वाइंडिंग अप या डेजोल्यूशन का है, लेकिन SECP ने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो कोई जिनके बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है आजकल, या कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे, उनकी ना कोई एसेट्स है ना कोई लाइबिलिटीज हैं, तो उनके लिए आसान रेगुलेशंस मुतारिफ करा रही है कंपनीज, इजी एग्जिट रेगुलेशंस। तो उनकी बेस पे जो कंपनीज हैं वो इजीली अपनी कंपनी डिसॉल्व कर सकती हैं, यानी कि वाइंड अप कर सकती हैं, इजी एग्जिट कर सकती हैं SECP में। तो उसके लिए बेसिकली चार फॉर्म्स हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये चार फॉर्म्स हैं, फॉर्म EE1, फॉर्म EE2, फॉर्म EE3 और फॉर्म EE4। ये चार फॉर्म्स आपको चाहिए होंगे, यही चार फॉर्म्स जाने हैं, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये चारों फॉर्म्स कहाँ अवेलेबल हैं। तो ये चारों फॉर्म्स आपके SECP की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आपने जाना है SECP.gov.pk, और यहाँ पे नीचे जाके फाइंड अ फॉर्म में ये चारों फॉर्म्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं आपको चारों फॉर्म्स का पर्पज़ बता देता हूँ और ये किस तरह लेके चलने हैं। अच्छा जी, ये आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, और अगर आप एप्लीकेशन को नहीं भी लेना चाह रहे या इसको प्रिंट नहीं भी करना चाह रहे, तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपका कंपनी का यूनिक इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फीस आपने छोड़ देनी है, ब्रांच छोड़ देनी है, डेट ऑफ पेमेंट छोड़ देनी है। अच्छा, रीज़न आ जाएगी। यहाँ पे आप रीज़न मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जी, डेट ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन मेरे केस में थी जनाब 24 24 मार्च 2023। कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव का नेम आ जाएगा, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है आपका SECP ई सर्विसेज में, और इसका CNIC आ जाएगा, और एट दी एंड फॉर्म की साइनिंग की डेट आ जाएगी, जो मैंने सेम रखी है एज एट एट द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था, इसको आपने ले लेना है जनाब ब्लैंक पेज पे, इसके अटैचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फॉर्म EE2 आपकी है जी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन के मिनट्स हैं ये। कंपनी का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा जहाँ ये मीटिंग हुई है, फिर आपके जो डायरेक्टर जो आपके मेंबर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। मेरे केस में, इस कंपनी के केस में सिर्फ दो मेंबर्स हैं, तो दोनों मेंबर्स प्रेजेंट थे मीटिंग में, उनके सिग्नेचर मैं करवा लूँगा। तो ये आपने इस तरह ले कर चलना है, इसको फॉर्म EE2 आ गया। फॉर्म EE2 आपका लेटर हेड पे जाएगा, फॉर्म EE2 आपका लेटर हेड पे जाएगा। अच्छा, जो फॉर्म EE3 है, ये अंडरटेकिंग है या डिक्लेरेशन कह सकते हैं आपको, और ये स्टैम्प पेपर पे जाएगी, ये आप रिमूव कर दीजिएगा, ये आप नहीं होगा, ये स्टैम्प पेपर पे जाएगी, 100 रुपये वाले पे। यही भी इसमें भी कंपनी का नाम आ रहा है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दो हैं, दो ही मेंबर्स से, दो ही डायरेक्टर हैं, मीटिंग 24 को ही थी, यूनानिमसली पास हो गई, कोई बिजनेस अंडरटेक नहीं कर रही, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, एंड सो ऑन। और जनाब ये नीचे साइन आ जाएंगे, 100 के स्टैम्प पे निकलेगी, और ये नोटराइज हो जाएगी स्टाम्प फ्रॉस्ट से ही। तो ये स्टैम्प पेपर भी आ गई आपकी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी कंपनी का कोई ऑडिटर है तो वो ये सर्टिफिकेट देगा। आपकी कंपनी का कोई ऑडिटर है तो वो सर्टिफिकेट देगा, अपने लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करेगा कि कंपनी के कोई एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं है। अगर आपका ऑडिटर नहीं है तो आप किसी भी ऑडिटर से ये ले सकते हैं। सपोज अगर सिंगल मेंबर कंपनी है या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जो कैपिटल है वो 1 मिलियन है या 1 मिलियन से कम है, तो उसको ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में वो किसी भी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके इजी एग्जिट प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे फॉर्म्स हो गए जो ले के चलने थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये
अच्छा, ये सबमिट ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन की फीस आपकी 5,000 है और ऑफलाइन की फीस आपकी 10,000 है। तो ऑफलाइन के केस में यही सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रजिस्ट्रार को फिजिकली सबमिट कराएंगे एसएससीपी के ऑफिस में, और ऑनलाइन में आप एसएससीपी ई सर्विसेज में चले जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने सबसे पहले जाना है जी ई सर्विसेज, आपने सेलेक्ट करना है गूगल से, तो ये आ जाएगा आपके पास। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद लॉगिन उससे करेंगे जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। कंपनी के आगे लॉगिन में जाएंगे, आईपीसीएस कंसल्टिंग, और ये देखें जी सबसे दूसरा प्रोसेस है जी कंपनी ईसी एग्जिट रेगुलेशंस। प्रोसेस के लिस्ट में दूसरा प्रोसेस कंपनी ईसी एग्जिट रेगुलेशंस, इस पे जाएंगे आप। मोड ऑफ पेमेंट बैंक चलान ही कर लेते हैं, ई पेमेंट भी कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं। तो मैं तो यूजुअली इसको लेके चलता हूँ जी ई पेमेंट में या डेबिट कार्ड में। जी प्रसाइज रीजन वो पूछ रहा है जी। मैंने बता दिया जी कि कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही। डेट ऑफ रेजोल्यूशन थी जनाब 24 मार्च को, मेरी मीटिंग हेल्ड एट, मैं देख लेता हूँ मेरी मीटिंग कहाँ हुई थी। ये जी हेड ऑफिस एड्रेस आ गया, फ्रंट कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आ गया, यूज ऑफ डिसेंटिंग, कोई भी किसी ने भी डिसएग्री नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल आ गया। मेंबर्स प्रेजेंट मैं ऐड कर दूंगा एक एक करके। मोहम्मद इस्माइल थे और रशीद अहमद। डिक्लेरेशन पे क्लिक किया। अच्छा आप ये देख लें क्या कुछ आ रहा है जी। अच्छा जी इसका सीएनआईसी कॉपी कर लेते हैं इधर से, इसको किसी ने ऑथराइज तो किया नहीं हुआ। तो ये जो मेरा फॉर्म फुली जनरेट हो गया। अच्छा जी वो अटैचमेंट में क्या कह रहा है जी, EE2 खुद ही जनरेट कर दिया उसने, EE1 भी खुद ही जनरेट कर दिया हमने, EE3 यानी कि स्टैम्प पेपर। EE3 अटैच करना है आपने, EE4 अटैच करना है आपने, EE4 यानी के ऑडिटर सर्टिफिकेट। फॉर्म अटैच करने के बाद आपने सेव कर देना है, आपने सारे प्रोसेसेस देखे जाने हैं। तो ये देखें जी 5,000 रुपया चार्जेस आ गए। मैंने आपको पहले बताया था कि सारा प्रोसेस हो गया, चालान आपने अपडेट कर दिया, उसके बाद आपने साइन फॉर्म करके सबमिट कर देना है। तो ये जी मैंने अप्लाई यूज़र पिन किया, लें जी, और ये सबमिटेड, ये प्रोसेस मेरा सबमिट हो गया इसी एग्जिट वाला। अब ये सबमिटेड प्रोसेस में आ जाएगा क्योंकि मैंने ई पेमेंट सेलेक्ट की थी, तो यानी क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया था ये, तो ये मेरा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा।
जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा, अब ये देख लें, ये कैंसिल प्रोसेस में आ रहा है। जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये कैंसिल खत्म हो जाएगा और रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगा। आप उधर से बैंक चालान भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उधर से ई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मैं मेक पेमेंट पे जाके मेक पेमेंट करूंगा, और मैं मेरे पास जो वीज़ा का कार्ड होगा उसके साथ जो भी पर्टिकुलर्स होंगे वो मैं सारे फिल करके अपने कार्ड नंबर दूंगा, वैलिडेशन कोड जो उसके बैग पे होगा पे करूंगा, तो ये सारा हो जाएगा। तो उसके बाद कोई 3 से 4 दिन के बाद या कोई एक वीक के बाद आपको SACP से एक लेटर आएगा कि आपकी कंपनी जो है ना वो विद इन 90 डेज इजी एग्जिट कर दी जाएगी। एक लेटर आपको आ जाएगा और एक आपके ऑडिटर को आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कोई कोई आपको इशू हो, कोई बात आपने पूछनी हो, तो ये मेरा नंबर है जी, आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। 4683961। थैंक यू सो मच।